वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, लीनियर प्रोग्रामिंग के फॉर्मुलेशन का एक और क्वेश्चन, आज हम दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इसके बाद फिर हम सिंप्लेक्स मेथड पे आ जाएंगे। सिंप्लेक्स मेथड में हम डिसीजन वेरिएबल की वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं वो समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे, अ फार्मर हैज़ द 1000 एकर्स ऑफ लैंड ऑन विच ही कैन ग्रो कॉर्न, वीट एंड सोयाबीन्स। तो 1000 उसके 1000 एकड़, 1 एकड़ जमीन कितनी होती है, 1 हेक्टर कितनी होती है। इसके पास में 1000 एकड़ लैंड अवेलेबल है। उसके पास में तीन ऑप्शंस हैं, तीन चीज़ों का प्रोडक्शन वो कर सकता है। एक तो वो वीट का प्रोडक्शन कर सकता है, एक कॉर्न का प्रोडक्शन कर सकता है, और एक वो सोयाबीन का प्रोडक्शन कर सकता है। तो आप एज अ फार्मर हैं, आपके पास में 1000 एकड़ लैंड अवेलेबल है और आपके पास में थ्री ऑप्शंस है वहाँ पर कि आप जो है या तो आप वीट का प्रोड्यूस करें, कॉर्न प्रोड्यूस करें या सोयाबीन प्रोड्यूस करें। ईच एकड़ ऑफ कॉर्न कॉस्ट, अगर आप कॉर्न को प्रोड्यूस करते हैं तो 1 एकड़ पे आपको जो है 100 रुपीज़ का आपका एक्सपेंस आ जाएगा, सॉरी 100 रुपये का आपके पास प्रिपरेशन आ जाएगा। रिक्वायर 7 मैन इन अ डे, एक दिन में आपको 1 एकड़ ज़मीन पर 7 आदमी आपको चाहिए, और उसके बाद में आपके पास में और प्रॉफिट आप एक दिन में वहाँ से निकाल पाएंगे अपना 30 रुपीज़। तो क्या समझ में आया, पहले कुछ चीज़ें लिख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले मुझे तीन चीज़ें समझ में आई, एक तो कॉर्न के प्रोडक्शन की बात हो रही है, एक वीट के प्रोडक्शन की बात हो रही है, और एक सोयाबीन्स की प्रोडक्शन की बात हो रही है। क्लियर है? और जो बात हो रही है यहाँ पर कौन कॉस्ट ऑफ 100 रुपीज प्रिपरेशन, यहाँ पे आपके कोण में 100 रुपीज का एक प्रिपरेशन आ गया। एक मैन इन अ डे, मैन हो गया, और एक आपके पास में प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पर आप देखें तो उसको 100 की रिक्वायरमेंट है कॉर्न को, 7 मैन इन अ डे चाहिए 1 हेक्टर 1 एकड़ लैंड पे, और उसके जो प्रॉफिट वो अर्न कर रहा है वो 30 रुपीज़ का वो अपना प्रॉफिट अर्न कर पा रहा है। अगर मैं वीट की बात करता हूँ तो एन एकड़ ऑफ वीट द कॉस्ट ऑफ द 120 रुपीज प्रिपेयर रिक्वायर्ड द 10 मैन इन अ डे एंड प्रॉफिट ऑफ द 40 रुपीज। बहुत सिंपल है। एन एकड़ ऑफ सोयाबीन्स कॉस्ट 70 रुपीज प्रिपेयर एंड रिक्वायर द 8 मैन इन अ डे ऑफ अ वर्क एंड द येट द प्रॉफिट ऑफ द 20 रुपीज। इफ द फार्मर हैज द 1 लाख रुपीज फॉर प्रिपरेशन, तो लिमिटेशन है यहां पर। लिमिटेशन में क्या है कि रिक्वायर्ड के लिए उसके पास में 1 लाख रुपए ही है, ठीक है। और आगे क्या कहता है, एंड कैन काउंट ऑफ द 8000 मैन डे इन अ वर्क, और एक दिन में वो 8000 आदमी को काम पर लगा सकता है। एंड हाउ मैनी एकर्स शुड बी द लोकेटेड टू ईच क्रॉप, तो यहाँ पर आपके पास में लाइक कॉर्न के लिए कितने एकड़ लैंड वो लोकेट करे, वीट के लिए कितने एकड़ लैंड वो अलोकेट करे, एंड वो सोयाबीन के लिए कितने एकड़ लैंड अलोकेट करे 1000 एकड़ में से, तीनों में कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट करे जिससे कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर क्या करते हैं, आपको चाहिए डिसीजन वेरिएबल। डिसीजन वेरिएबल आप लेट करें, लेट एक्स वन द नंबर ऑफ या एक्स वन द हेक्टर ऑफ लैंड एकड़ एक्स वन इज द एकड़ ऑफ लैंड लोकेटेड इन इन कौन, यही है बच्चे, पहले कौन है ना,
और उसके बाद आपके पास में एक्स टू इज द एकड़ ऑफ लैंड, एकड़स ऑफ लैंड अलोकेटेड भी बोल सकते हैं, अलोकेटेड इन वीट, एंड एक्स थ्री इज एकर्स ऑफ लैंड अलोकेटेड इन सोयाबीन। क्लियर है बच्चे? एंड नेक्स्ट आपके पास पे डिसीजन वेरिएबल हो गया। अब आपके पास पे यहां पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। इसमें क्या है? टू मैक्सिमाइज, इसमें क्या करना है आपको? द प्रॉफिट, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। एंड जेड इक्वल्स टू आपके पास में अगर कौन के लिए एक्स वन यूनिट ऑफ हेक्टर लैंड आपको अवेलेबल है, मैं रिपीट कर रहा हूं, आपके पास में कौन के लिए कितने हेक्टर लैंड रखा हुआ है आपने? एक्स वन यूनिट आपने हेक्टर लैंड रखा हुआ है और ईच हेक्टर लैंड सॉरी एकड़ है, ईच एकड़ लैंड आपका कोण का कितने का प्रॉफिट देता है? एक एकड़ आपका अगर कोण प्रोड्यूस कर रहे हो एक एकड़ लैंड पे तो 30 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। और कितने एकड़ आपने कोण के लिए यूज करा है? एक्स वन यूज करा है तो ईच पे 30, तो एक्स वन पे कितना होगा? तो मल्टीप्लाई बाय 30 कर दो, टोटल प्रॉफिट यहां पे होगा आपका। और इसी तरीके से आपने जो है वीट के प्रोडक्शन के लिए कितनी लैंड रखी हुई है, कितने एकड़ लैंड, तो एक्स टू, और ईच एकड़ आपका वीट का प्रोडक्शन पे 40 रुपए का आपका प्रॉफिट आ रहा है तो इंटू 40। एंड एक्स थ्री आपके पास में सोयाबीन के लिए लैंड रखा हुआ है इतने एकड़, और ईच एकड़ पे आपको 20 रुपीज का प्रॉफिट आ रहा है इंटू 20, ये आपका प्रॉफिट हो गया। इसको आपको क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। तो 30x1 प्लस 40x2 प्लस 20x3, ठीक है बच्चे? ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। अब आप करेंगे कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट्स क्या है? आर रिक्वायर ऑफ वन कॉन्स्टेंट्स में क्या पढ़ते हैं? ईच एकड़ ऑफ कोन कॉस्ट क्या है? ईच एकर्स ऑफ प्रिपरेशन प्रोडक्शन ऑफ कॉर्न, इज रिक्वायर्स फॉर प्रिपरेशन कॉस्ट इज एन प्रोडक्शन ऑफ वीट इज रिक्वायर्स फॉर प्रिपरेशन कॉस्ट इज
समझ रहे हैं बच्चे? एंड प्रोडक्शन, क्योंकि एक ही चीज लेके चलेंगे ना, इक्वेशन में प्रोडक्शन ऑफ सोयाबीन इज रिक्वायर्ड फॉर प्रिपरेशन कॉस्ट इज। तो यहां पे देखें आपके पास में क्या है, मैं बात किसी से कर रहा हूं, मैं क्योंकि लिमिटेशन यहां दिया हुआ है तो मैं इसको ऐसे चला सकता हूं ना। जब मैं इसको ऐसे चला सकता हूं, लिमिटेशन दिया हुआ है, तो मेरे पास में क्या है, कौन है, तो कौन की लिखूंगा, वीट का लिखूंगा कॉन्सेंट, सोयाबीन का लिखूंगा, उसके बाद फिर मैं कॉन्सेंट में आगे आऊंगा, फिर मैं रिक्वायरमेंट ऑफ मैन लिखूंगा तीनों का, क्योंकि मुझे ऐसे लेके चलना है, ऐसे लेके नहीं चलना मुझे। इसका इक्वेशन किसके इक्वल है, यहां पे टोटल आपके पास में लिमिटेशन ऑफ आपके पास में प्रिपरेशन इज 1,00,000 रुपीज है, क्लियर है? तो टोटल मतलब किस में, जो तीनों ही प्रोडक्शन में लग रहे हैं आपके, इसे ऐसे लेके चलेंगे आप 100, 120 एंड 70। हंड्रेड 120 एंड 70। तो एक एकड़ अगर आप कौन का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसमें प्रिपरेशन कॉस्ट आपका आ रहा है 100 रुपीज, और आप यहां पर कितने एकड़ कर रहे हैं, आप X1 एकड़ कर रहे हैं, और ईच एकड़ पे आपका 100 रुपीज का आ रहा है, तो टोटल आपका जो है प्रिपरेशन कॉस्ट आपका कोण में इतना आ गया। और अगर आप 1 एकड़ लैंड पे वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उस पर प्रिपरेशन कॉस्ट आपका 120 रुपीज आ रहा है, और कितने एकड़ आप लैंड यूज कर रहे हैं वीट में, तो X2 एकड़ इंटू 120, एंड सिमिलर X3 एकड़ लैंड आप यूज कर रहे हैं सोयाबीन में, ईच एकड़ पे 70 रुपीज की प्रिपरेशन कॉस्ट आ रही है। तो टोटल कॉस्ट, आप प्रिपरेशन कॉस्ट आपका कितना होगा, 1,00,000 रुपीज ही है, तो आपका 1,00,000 होगा या उससे कम होगा, दिस वन क्लियर है कंस्टेंट में। और कंस्टेंट में एक नेक्स्ट क्या हो गया, रिक्वायर्ड ऑफ लेबर प्रोडक्शन ऑफ कॉर्न रिक्वायर्ड ऑफ लेबर इन प्रोडक्शन ऑफ वीट रिक्वायरमेंट ऑफ लेबर एंड इन प्रोडक्शन ऑफ सोयाबीन रिक्वायरमेंट ऑफ लेबर क्या है आपके पास में, 7, 10, 8 7, 10 एंड 8 तो क्या बनेंगे आपके पास में, अगर आप एक एकड़ अगर आप कोण में आप लैंड को यूज कर रहे हो तो वहां पर आपको 7 लेबर चाहिए, और कितने एकड़ लैंड यूज करा आपने, X1 एकड़ यूज करा आपने, तो ईच एकड़ में आपका 7, तो टोटल कितने यहाँ पर लेबर यूज हो गए। एंड वीट के प्रोडक्शन में आपने X2 एकड़ लैंड यूज कर लिया, और ईच एकड़ में आपका 10 लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, तो टोटल यहाँ पर इतनी लेबर की रिक्वायरमेंट होगी। एंड आपके सोयाबीन में आपने X3 एकड़ लैंड को यूटिलाइज करा, एंड ईच में 18 है ना, 7, 10, 8 है, क्लियर है बच्चे? तो टोटल मिला करके आपके पास में कितने लेबर टोटल अवेलेबल है, 8,000। तो क्या बना आपके पास में, 7X1 प्लस 10X2 प्लस 18X3 इज लेस देन 8,000। और एक चीज और देखें आप कि टोटल अवेलेबल ऑफ लैंड, टोटल अवेलेबल ऑफ लैंड इज 1,000 acres, मतलब क्या हुआ, X1 एकड़ मैंने यूज कर लिया कॉर्न के प्रोडक्शन में, X2 एकड़ यूज कर लिया मैंने वीट के प्रोडक्शन में, X3 कर लिया सोयाबीन के एकड़ में, तीनों मिलाकर के मेरे पास में 1,000 या उससे कम होना चाहिए,
क्लियर है। एंड लास्ट वन इज एक्स वन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड एक्स टू इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड एक्स थ्री इज ऑलवेज इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो। क्लियर है बच्चे? तो बेसिकली मेरे पास में जो सारे इक्वेशंस अगर आए हैं वो क्या क्या आए हैं, प्रॉफिट 30, 40, 20, थर्टी एक्स वन, 40 एंड 20, थर्टी फोर्टी एंड 20, नेक्स्ट 100, 120 एंड 70, 100, 120 एंड 70, 7, 10, 8, 7, 10, 8, 7x1, 10x2, 8x3। अब मेरे पास में क्या है, 8000 लेबर। एंड नेक्स्ट वन 1x2 एंड x3, x1 + x2 + x3 इज लेस देन 1000 एंड लास्ट वन x1, x2, x3 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू जीरो। ये मेरे पास में फॉर्मुलेशन हो गया यहाँ पर इस क्वेश्चन का। क्लियर है बच्चे? पी क्यू आर इन प्राइजेस इज 3, 4, 5, 1 यूनिट ऑफ पी रिक्वायर्ड 2 यूनिट ऑफ एम वन, 1 यूनिट ऑफ पी रिक्वायर्ड 2 यूनिट ऑफ एम वन एंड 3 यूनिट ऑफ एम टू, 1 यूनिट ऑफ क्यू रिक्वायर्ड 2 यूनिट ऑफ एम टू एंड 5 यूनिट ऑफ एम थ्री, 2 यूनिट ऑफ एम टू एंड 5 यूनिट ऑफ एम थ्री। प्रोडक्ट आर रिक्वायर्ड द 3 यूनिट ऑफ एम वन एंड 2 यूनिट ऑफ एम टू। एम टू रिक्वायर 5 यूनिट ऑफ एम थ्री, 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट क्यू रिक्वायर्ड द यूनिट ऑफ एम टू एंड 5 यूनिट ऑफ एम थ्री एंड 1 यूनिट ऑफ आर रिक्वायर्ड द 3 एंड 2, आर रिक्वायर्ड 3 यूनिट ऑफ एम वन एंड 2 यूनिट ऑफ एम टू एंड 4 यूनिट ऑफ एम थ्री। एंड द कंपनी हैज़ अ 8 यूनिट ऑफ अ मटेरियल वन, 10 यूनिट ऑफ मटेरियल टू एंड 15 यूनिट ऑफ मटेरियल थ्री अवेलेबल इट। फॉर्मुलेशन द प्रोबेबिलिटी, यूज द सिंपलेस्ट मेथड टू फाइंड द हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ द ईच प्रोडक्ट शुड बी प्रोड्यूस टू द मैक्सिमाइज द रिवेन्यू। अब देखें बच्चे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। हेलो, ठीक है, सबसे पहले ज़रा समझिए क्या है क्वेश्चन की कहानी। अ कंपनी प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट पी क्यू आर, 3 प्रोडक्ट है, एक का नाम है पी, एक का नाम है क्यू और एक का नाम है आर। एंड प्राइस की बात कर रहे हैं तो प्राइस क्या है इसके पास में, पी क्यू आर हुज प्राइस द पर यूनिट ऑफ द 3 रुपीज, 5 रुपीज एंड 4 रुपीज रिस्पेक्टिवली। 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट पी रिक्वायर्ड द 2 यूनिट ऑफ एम वन। मेरे पास में एक तो M1, M2 एंड M3 क्वेश्चन पढ़ने दी, समझ में आया? तो अगर मैं प्रोडक्ट P की बात करता हूँ तो प्रोडक्ट P में क्या है जरा समझें। 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट P के 1 यूनिट को बनाने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, P रिक्वायर्स द 2 यूनिट ऑफ M1, 3 यूनिट ऑफ
एम टू, वन यूनिट ऑफ क्यू रिक्वायर द टू यूनिट ऑफ एम टू, क्यू रिक्वायर टू यूनिट ऑफ एम टू एम फाइव यूनिट ऑफ एम थ्री। ठीक है बच्चे, इसके लिए ये गिवन नहीं है, इसके लिए यहां पे ये गिवन नहीं है। ठीक है बच्चे, आगे एंड द वन यूनिट ऑफ प्रोडक्ट आर रिक्वायर द थ्री यूनिट ऑफ एम वन, टू यूनिट ऑफ एम टू एंड फोर यूनिट ऑफ एम थ्री। द कंपनी हैज द एट यूनिट ऑफ मटेरियल ऑफ एम वन, एम वन कितना है, ये आपके पास में लिमिटेशन हो गई। एम वन के आपके पास में एट है, ठीक है बच्चे, एंड आपके पास में एम टू एम वन टेन यूनिट ऑफ मटेरियल टू एंड द 15 यूनिट्स ऑफ अ मटेरियल थ्री। दिस ये क्वेश्चन है आपके पास में। अब कुछ रहे यूज द सिंपलेस्ट, अब मैक्सिमाइज हमें रिवेन्यू करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द आप यहाँ पे क्या करोगे, आप करेंगे ट्राई, चलो आप ट्राई करो क्वेश्चन को, पहले आप ट्राई कर लो, मैंने बना दिया है, इसको जरा फॉर्मुलेशन करो, उसका मैं करवा रहा हूँ। हेलो हेलो हेलो। अब सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल डिसीजन वेरिएबल, डिसीजन वेरिएबल क्या है आपके पास में, आप लेट करेंगे, लेट एक्स वन नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ए एंड एक्स टू इज द नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी एंड एक्स थ्री is the number of units of product C, clear है। अब यहां पर आप देखेंगे clear है आपको ये? अब आप यहां देखें, ये आपको समझ में आ गया। अब मुझे क्या maximize करना है, मुझे अब objective function लेना है यहां पे अपना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन मेरे पास में क्या रहने वाला है, मुझे अपने रेवेन्यू मैक्सिमाइज करना है। रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू मतलब कितने पैसे आपके पास में आए, ये क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी होता है। फॉर एग्जांपल
मैं एक चॉकलेट 10 रुपीज़ का बेच रहा हूँ, वन चॉकलेट ये प्राइस है, और मैंने 5 चॉकलेट सेल कर दिए, ये क्वांटिटी है, प्राइस और क्वांटिटी है, मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास में कितने रुपए आएंगे, जितने पैसे आए, प्रॉफिट अलग चीज़ है, रेवेन्यू अलग चीज़ है, जितने पैसे आए वो मेरा रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू प्राइस इंटू क्वांटिटी होता है। तो सिमिलर ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो रेवेन्यू मैक्सिमाइज करना है, तो रेवेन्यू पहले कैलकुलेट करता हूँ, एंड जेड इक्वल्स टू मेरे पास में प्राइस क्या है, प्रोडक्ट वन का प्राइस क्या है मेरे पास पे, देखो 3, 5 एंड 4 रेवेन्यू फ्रॉम 3, 5, 4। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में मेरे पास में प्रोडक्ट वन का प्राइस 3 रुपीज़ है, और कितने यूनिट प्रोडक्ट वन है, x1 यूनिट, और 5 रुपीज़ प्राइस है, प्राइस मीन्स 1 यूनिट की वैल्यू 5 रुपीज़ है, और कितने यूनिट है प्रोडक्ट टू x2, और 4 रुपीज़ प्राइस एंड कितने यूनिट है x3, दिस वन। हाँ जी बच्चे, तो ये मेरा क्या हो गया रेवेन्यू, एंड हमें रेवेन्यू ही मैक्सिमाइज करना है, जेड इक्वल्स टू 3x1 + 5x2 + 4x3। अब उसके बाद हम करेंगे कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है रिक्वायरमेंट ऑफ, देखिए क्या कहता है, हमारे पास है 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल, आप लेट कर लीजिए m1 m2 m3 रिक्वायरमेंट्स ऑफ m1। रिक्वायरमेंट ऑफ m1 क्लियर है, तो m1 की रिक्वायरमेंट किस किस को है वो देख लेते हैं पहले। m1 की रिक्वायरमेंट एक प्रोडक्ट p को है, प्रोडक्ट r को है, m1 तो प्रोडक्ट p को रिक्वायरमेंट है, तो p क्या है मेरे पास में x1, और मेरे पास में r क्या है x3, तो मैं p प्रोडक्ट कितना प्रोड्यूस कर रहा हूँ x1 यूनिट, और मैं r प्रोडक्ट कितना यूज़ कर रहा हूँ x3 यूनिट, और x1 यूनिट मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो उसके लिए मेरे पास में m1 की रिक्वायरमेंट क्या है 2, और x1 यूनिट है तो टोटल कितनी रिक्वायरमेंट हो जाएगी m1 की, और यहाँ पर मेरे पास में m1 की रिक्वायरमेंट है 3, x3 के लिए ये ध्यान रखना, x2 के लिए कोई रिक्वायरमेंट मेरे पास में q के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, या तो मैं m1 का यूज़ p में कर रहा हूँ, या तो मैं उसका r में कर रहा हूँ, r में p में यूज़ कर रहा हूँ तो 2 यूनिट आपके ईच प्रोडक्ट के लिए, r में यूज़ कर रहा हूँ तो 3 यूनिट ईच प्रोडक्ट के लिए, और मेरे पास में p के कितने यूनिट हैं x1 एंड r के लिए कितने x3, तो 2 × x1 एंड x3 × 3 करेंगे तो टोटल रिक्वायरमेंट आ जाएंगे मेरे पास में 8 की है, क्लियर है। एंड रिक्वायरमेंट ऑफ m2 की अगर मैं रिक्वायरमेंट की बात करता हूं तो ये क्या है, देखिए M2 के रिक्वायरमेंट बच्चे प्रोडक्ट P हो, Q हो और चाहे R हो, तीनों ही प्रोडक्ट कर रहे हैं, मैं आपको स्टडी प्लान बता दूंगा जिससे कि आपको लेक्चर को देखने में को पहले ऑर्डर क्या रहे वो सब चीज़ें आपको क्लियरिटी आ जाएंगी, ठीक है। तो सैटरडे को मैं आपका स्टडी प्लान बता दूंगा या कल ही बता दूंगा मैं आपको, तो यहाँ पे देखो हमारे पास में P प्रोडक्ट में M2 मटेरियल की रिक्वायरमेंट 3 यूनिट है, Q प्रोडक्ट में M2 की रिक्वायरमेंट 2 यूनिट है, और मेरे पास में R प्रोडक्ट में भी M2 की रिक्वायरमेंट 2 यूनिट है, तो मेरे पास में M2 मटेरियल की रिक्वायरमेंट तीनों ही प्रोडक्ट में है, तो M2 की रिक्वायरमेंट तीनों में ही है, तो मेरे पास में X1 मैंने P प्रोडक्ट प्रोड्यूस करा हुआ है X1 यूनिट और ईच के लिए 2 है, एंड X2 यूनिट मैंने Q के लिए एंड ईच के लिए 2 है, एंड 3 मैंने X3 के लिए, और 10 टोटल मेरे पास में अवेलेबल है, एक सेकेंड 3 2 2 था सॉरी 3 यूनिट ईच प्रोडक्ट के लिए है आपका, और मेरे पास में कितने प्रोडक्ट है
पी के एक्स वन एंड टू एक्स टू एंड टू एक्स थ्री, क्लियर है बच्चे, एंड 10 टोटल अवेलेबल है। तो मेरे पास में मटेरियल 2-3 यूनिट चाहिए, मेरे पास में प्रोडक्ट 1 के ईच के लिए, और कितने नंबर ऑफ यूनिट है प्रोडक्ट पी का, एक्स वन यूनिट है और ईच के लिए 3 है, तो टोटल रिक्वायरमेंट एम टू का आ गया मेरे पास है प्रोडक्ट पी में। एंड प्रोडक्ट क्यूब में ईच यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए 2 यूनिट की रिक्वायरमेंट है, और कितने नंबर ऑफ यूनिट है प्रोडक्ट एक्स टू, मल्टीप्लाई कर दिया टोटल नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल 2 इन अ प्रोडक्ट क्यू आ गया। और एक्स थ्री मेरे पास में नंबर ऑफ यूनिट है प्रोडक्ट आर, और ईच प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए एम टू मेटल की रिक्वायरमेंट है 2, तो टोटल रिक्वायरमेंट क्या आ गया 2x3। एंड नेक्स्ट मेरे पास में मटेरियल 3, रिक्वायरमेंट ऑफ m3 की रिक्वायरमेंट कहां कहां है, देखो m3 की रिक्वायरमेंट मेरे पास में q प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में ना r प्रोडक्ट को यूज करने में 5 और 4 और आर में ही है इन क्यू एंड आर प्रोडक्ट इसमें ही है, और वो भी क्या आपके पास में 5 और 4 है। तो क्यू कितना प्रोड्यूस कर रहा हूं मैं एक्स टू और ईच के लिए 5 है, एंड आर कितना प्रोड्यूस कर रहा हूं मैं एक्स थ्री ईच के लिए 4 है, प्लस टोटल कितना आपके पास में टोटल अवेलेबल कितना है 15, तो 5x2 + 4x3 एंड इक्वल्स टू लेस देन 15, क्लियर है बच्चे। तो ये मेरे पास में क्या आ गया रिक्वायरमेंट हो गया। एंड लास्ट वन x1, x2, x3, जो नंबर ऑफ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट पी क्यू एंड आर है इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन 0। क्लियर है बच्चे। तो M1, M2, M3 का इक्वेशन बन गया, रेवेन्यू का इक्वेशन बन गया, और ये सारे के सारे आपके पास में बेसिकली देखो तो ये आपके पास में एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, ये आपके पास में M1, ये आपके पास में M2, और ये आपके पास में M3, और ये तो आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया फॉर्मुलेशन लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर। नेक्स्ट क्लासेस में सिंप्लेक्स मेथड से मैं आपको डिसीजन वेरिएबल जो हमने लेट किया था इसकी वैल्यू कैसे आप फाइंड आउट करोगे वो सिंप्लेक्स मेथड से आपको पता लगेगा।